हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मल्टीपल ऑफ कैंपस ड्राइव की सीरीज में मैं आप सभी के साथ और बहुत सारे नए जॉब अपडेट डिस्कस करूंगा। आप सभी को बहुत सारे नए जॉब अपडेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि फ्रेशर्स बैच के लिए होने वाले हैं। और खास बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि यहाँ पे 2021 बैच के लिए इंटर्नशिप भी है, 2021 बैच के लिए जॉब अपडेट भी है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला जॉब अपडेट पेपल कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पोस्ट है, बेंगलोर इंडिया जॉब लोकेशन है। आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। 4 डेज पहले पोस्ट हुआ है, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी वर्क रहेगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा पूरा पेपल कंपनी के साथ। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है ऑटोमेशन सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सिस्टम पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं बताया कि पर्टिकुलर इस बैच वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, पर दोस्तों उन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है कि यहाँ पे किस टाइप से उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ये एक एक्सपीरियंस रिलेटेड जॉब है, मीन्स आपको ये सब चीज़ों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। आप डायरेक्ट जाके आप अप्लाई नाउ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सेकेंड जॉब अपडेट की तरफ, जो कि लेनोवो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। वेब डेवलपर की ये इंटर्नशिप है, 2021 बैच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, 18 जनवरी को यहाँ पोस्ट हुई है, बेंगलोर कर्नाटका जॉब लोकेशन है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो है वो उनको यहाँ पे 1 ईयर की ऑन साइट ट्रेनिंग चाहिए वेब डेवलपर इंटर्न की। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको वेब डेवलपर के रूप में वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज में, कोर वेब टेक्नोलॉजीज में काम करना पड़ेगा। आपको पोजीशन रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने यही बता रखा है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए वेब डेवलपमेंट स्किल्स का। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट प्रिफर्ड है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए। तो दोस्तों अप्लाई नाउ पे जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे जॉब अपडेट की तरफ, जो कि प्लेटफॉर्म 9 कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों खास बात यहाँ पे बताऊं तो ये 2021 बैच यहाँ पे एलिजिबल है। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पोस्ट है, पुणे इंडिया जॉब लोकेशन है, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है और मिनिमम एक्सपीरियंस उन्होंने स्टूडेंट कॉलेज मांगा है। तो दोस्तों मींस आप अगर कॉलेज में है, फाइनल ईयर में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि अगर आप फाइनल ईयर में है, कैंडिडेट्स स्टडिंग इन फाइनल ईयर फ्रॉम इंजीनियरिंग कंप्यूटर आईटी और ईसी में है, आप एमसीए एमसीएस है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहां पे बताऊं, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड जॉब पोस्ट है। अब उन्होंने यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस आपकी मांग रखी है कि यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का, और आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड पास किए हो 80% के साथ, आपका एवरेज सीजीपीए 8 प्लस हो इंजीनियरिंग के दौरान, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के दौरान, आप एक गुड टीम प्लेयर हो और आप विल हो कि आप नई टेक्नोलॉजीज को जल्दी से जल्दी सीख सकें, तो अप्लाई नाउ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे और जॉब अपडेट्स अवेलेबल है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड मीन्स अगर यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे और जॉब अपडेट अवेलेबल है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं, पर ये एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब अपडेट 2021 बैच के लिए है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ जॉब अपडेट की तरफ, जो कि बेरक्लेस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रोसेस एडवाइजर की जॉब पोस्ट है, 17 जनवरी को पोस्ट हुआ है, पुणे यहाँ पे लोकेशन है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ साथ प्रोसेस एडवाइजर बिजनेस से रिलेटेड ये जॉब पोस्ट है। अगर आपको अच्छा खासा इफेक्टिव, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए काफी अच्छा मौका है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक्सेल वर्ड एंड पावर पॉइंट का। स्किल्स यहाँ पे काफी सारी उन्होंने बता रखी है बिजनेस से रिलेटेड, जैसे स्विफ्ट मैसेज करेंसीज, ईपीएस स्विफ्ट मैसेज, आपको इन सब का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों बिजनेस और पेमेंट प्रोसेसिंग से रिलेटेड जॉब अपडेट है। तो आप यहाँ पे पुणे लोकेशन आपको मिलेगी और अप्लाई पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे फिफ्थ जॉब अपडेट की तरफ, जो कि एसेंशियल कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों काफी सारे डाउट्स आए थे मुझे कि एसेंशियर की ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट आई है, तो दोस्तों ये 2019 और 2020 बैच के लिए है। आप यहाँ पे
सबसे पहले कैप्चा को वो करके आप नेक्स्ट जा सकते हो, और फिर आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो ये 2020 2019 और 2020 बैच के लिए एक ऑफिशियल जॉब पोस्ट है एसेंशियर की तरफ से, तो आप यहाँ पे पूरा फिल करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एसेंशियर की तरफ से एक जॉब पोस्ट है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जॉब अपडेट की तरफ, जो कि 6th नंबर का जॉब अपडेट है। टर्बो लैब कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, पाइथन डेवलपर की जॉब पोस्ट है। यहाँ पे उन्होंने स्किल्स और एक्सपीरियंस ही मांगा है। अगर आप प्रोफिशिएंट है पाइथन में, आपको गेट का अच्छा खासा नॉलेज है, आप वेब टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग है, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, और आपको अच्छा खासा नॉलेज है डेटाबेसेस, और आप वर्क कर सकते हैं पूरा इसमें पाइथन के साथ, पेंडास जो कि लाइब्रेरीज है, SQL, इन सब के साथ आप डेटा प्रोसेसिंग टूल के साथ यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे ये नहीं बताया है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या पर्टिकुलर ब्रांच है या बैच है, वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, स्किल्स और एक्सपीरियंस ही बताया है। तो आपको अगर ये स्किल्स और एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों अब लास्ट जॉब अपडेट है L&T कंपनी की तरफ से, जो कि फ्रेशर्स बैच के लिए आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब पोस्ट है, 15 जनवरी को हुआ है, लोकेशन हैदराबाद है। अब दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, अगर आपकी एजुकेशन है डिप्लोमा इंजीनियर से आप या इंजीनियर ग्रेजुएट, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 0 से 24 मंथ का उन्होंने एक्सपीरियंस बता रखा है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटीज बता रखी है जो कि जॉब पोस्ट से रिलेटेड है। उन्होंने ये भी यहाँ पे बता रखा है कि आपका टेक्निकल फोकस एरिया किस में होना चाहिए, आपको अच्छा खासा नॉलेज किस में होना चाहिए। अप्लाई नाउ पे जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से आज की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको 7 जॉब अपडेट्स के बारे में बताया जो कि फ्रेशर्स और 2021 बैच के लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप लिंक क्लोज होने के पहले इसमें अप्लाई कर दीजिए।